तो इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो अलग अलग हिस्से बना के रखे हैं, एक फीमेल और एक मेल का। जब ये कंडीशंस हमारे पास बनी हुई है, धर्म की जितनी भी किताबों हो किताबें हैं, मेरी बात सुनिए, मैं अगली बार बीच में ना बोले लक्ष्मी जी, मैं देखिए लक्ष्मी जी, मैं आप बीच में ना बोले, काम नवीन आप बीच में ना बोले, हम उनसे बात करें, आपसे बात करें, नवीन लेट दिस डिबेट हैपन, अच्छी तरीके प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, वो आई रिक्वेस्ट, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबके लिए बनाया है, अगर हम मर्द हैं और औरत उसके साथ बनाया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक हिस्सा वो भी बनाया है जो दोनों के मिक्स करके तैयार किए गए हैं, जिसे हम ख्वाजा सरा कहते हैं, वो हमारे दरमियान में मौजूद है, लेकिन उसकी ताजीम, उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाता है, धर्म के अंदर में भी उसके तमाम मामला रखे गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या क्रिश्चियन हो, या किसी भी धर्म में। लेकिन सबसे पहली बात यह होती है कि हम नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। आज से जमाना पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जमाना था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, एक मिनट लक्ष्मी, मैं कंप्लीट कर लूं, लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में जब दो मर्द आपस में इस तरीके की हरकतें कर रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल हो गया, ऐसे लोगों पर, शहर को तीन बार पलटी किया गया था। वजह ये थी कि इसलिए कि आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज के लिए आपको या हमें जिस चीज के लिए बनाया है उस पर उसे कायम रहना चाहिए। और बात जहां तक होती है कि इस तरीके के तीन इंसिडेंट हो गए अभी दरमियान में, बांद्रा हो या बॉम्बे हो या फिर चेन्नई या किसी और शहर में, तो इस तरीके के मामला हिंदुस्तान में नहीं, जिस मुल्क में जहां पर लोगों की आबादी होती है वहां पर इस तरीके के कुछ मामला होते हैं, लेकिन हम उसको जस्टिफाई करेंगे ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकता है किसी भी सूरत, ना शरीयत के एतबार से, ना हिंदुस्तानी लॉ के एतबार से, ना किसी और सूरत में। यह कि तहजीब भी ये नहीं बताती है, तहजीब हमें ये क्या बताती है, तहजीब ने हमारे लिए दायरा रखा है, हमारे जीने के उसलूब रखे हैं, आपके जीने के उसलूब रखे हैं, हमें आपकी कदर करनी चाहिए, आपकी हमें कदर करनी चाहिए, लेकिन हम आपके पर्सनल मसले पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो उसूल जरूर बताएंगे जो इंसानियत का उसूल है, और इंसानियत का उसूल ये है, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट, मर्द मर्द और मुखन्नस मुखन्नस, इसे हमें ख्वाजा सरा नहीं नहीं वन मिनट में जवाब दूं, मैं जवाब दूं, लिसन टू ईच अदर, अशोक, नो नो, लिसन लिसन वन एट अ टाइम प्लीज, आई हैव नॉट गॉन येट टू अंजलि, आई हैव नॉट गॉन टू राहुल ईश्वर, आई हैव नॉट गॉन टू फादर येट, सो जस्ट हियर ईच अदर, आई वुड से वन थिंग, रिमेंबर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर हैविंग दिस डिस्कशन टुडे बिकॉज आई फेल्ट टेरिबल. If in Bangalore some lesbian woman loses her job because she's a lesbian, it's terrible. If exactly. if tomorrow transgenders are beaten up, sexually assaulted because they go to a police station, yes. it's unacceptable. Yes. And Naveen Chomal, if the same thing happened to you, you'd be the first person complaining. Now she's responding, please. She is responding, please. Calm down. Respond. देखिए जहाँ तक मेरे 50 किताब हिंदू धर्म के कहते हैं, तो उसमें कोई अलग नहीं है. किन्नरों की जहाँ तक की बात है, हमें उपदेवता का श्रेणी में लेके आए हैं. और क्या आप इस्लाम में कहेंगे कि क्या मुखन्नस, क्या ख्वाजा सराय, क्या अल्लाह के मखलूक नहीं थे? है ना? और यही समाज या समाज के ठेकेदार या कोई भी right. कोई भी इंसान कोई जज करने के काबिल है क्या दूसरे इंसान को? नहीं. और ये मैं सिर्फ धर्म की किताब से बोल रही हूँ, जो 30 पारे हैं, 30 पारे इस्लाम के, हम बड़ी कुरान के 30 पारों में कौन गुनहगार है ये आप मुझे बता दें. कौन गुनहगार है ये मुझे बता दें कि वो अल्लाह ने, वो परवरदिगार या नबी ने किसको गुनहगार साबित किया? उन्होंने सबको गले से लगाया, उन्होंने सबको प्यार दिया. और अगर इतना मोहब्बत है लोगों को गुनहगार, वो तो मुनकर नकीर का काम है. अगर मैं गुनहगार हूँ, आप मुझे दफनाओगे, 40 कदम दूर जाओगे, तब मुनकर नकीर मुझसे मेरे सवाल जवाब पूछेंगे. ये तो इस्लाम की बात है. और एक बात मैं कहती हूँ, मुफ्ती जी मेरी पूरी बात सुन लें. और मेरे धर्म में, मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ किन्नर अखाड़े की, मैं कोई चित्रगुप्त नहीं हूँ यमराज के, मैं यमराज के महल के अंदर की चित्रगुप्त नहीं हूँ, या समाज चित्रगुप्त नहीं है, किसी का पाप पुण्य सच्चा झूठा का हिसाब किताब रखने वाला. अगर हमारा धर्म हिंदू सनातन धर्म सिर्फ प्रेम है और सिर्फ एक दूसरे की इज्जत है, अहम ब्रह्मास्मि तथागत, ब्रह्म सब में है.